सो हेलो गाइस, दिस इज तनु सुनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, आज हम इंटरडे ट्रेडिंग के 7 बिगेस्ट मिस्टेक को हम समझने वाले हैं, जो हर ट्रेडर करता है, हर एक बिगिनर करता है, हर एक रिटेलर करता है। ये गलती क्यों करता है और इस गलती से उसको क्या नुकसान होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और चीज़ें आपको अंत तक सीखना है, ठीक है। और ये वीडियो आप अंत तक देखोगे तो ये गलती आप नहीं करोगे, और जैसे ही आप ये गलती करना बंद करोगे, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जाओगे। तो आपको वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखना है। तो गाइस, 7 बिगेस्ट मिस्टेक में हमारा पहला मिस्टेक आता है लिक्विडिटी स्टॉक पे ट्रेडिंग ना करना। अब ये लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब होता है कि जो स्टॉक में आप अपना बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना चाहते हो, उस स्टॉक में वॉल्यूम होना चाहिए। होता क्या है गाइस, आप ऐसे स्टॉक में अपना पोजीशन बना लेते हो जिस स्टॉक में वॉल्यूम नहीं होता। आप अपना ऑर्डर लगाते हो 9:15 को, आपका ऑर्डर मार्केट में प्लेस होता है 10:15 11:15 को। अब क्यों इतना लेट से हमारा ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो रहा है? क्योंकि उस स्टॉक में बायर और सेलर नहीं है। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो स्टॉक में बायर और सेलर ज़्यादा हो उसमें आपको पोजीशन बनाना है। तो बायर और सेलर कौन से स्टॉक में ज़्यादा होता है? निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और निफ्टी 100 की स्टॉक में। आप इतने ही स्टॉक में आप ट्रेडिंग करो और इतने ही स्टॉक में आपको बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना है। अगर गाइस आप इससे हट के और दूसरे स्टॉक में जाते हो तो वो इलिक्विडिटी स्टॉक हो जाता है। अगर आप उसमें ट्रेडिंग करोगे तो डेफिनेटली आप फंस जाओगे, और फंसोगे तो आपका बड़ा नुकसान होगा। तो आपको कोशिश ये करना है, आपको हमेशा लिक्विडिटी स्टॉक में अपना पोजीशन बनाना है, और कोशिश ये करना है आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के स्टॉक में अपना बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना है। तो पहला गलती आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपको इलिक्विडिटी स्टॉक में कभी भी अपना पोजीशन नहीं बनाना है। तो चलिए अब हम अपना दूसरा बिगेस्ट मिस्टेक देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा बिगेस्ट मिस्टेक ये होता है कि लोग जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ नहीं करते। अब वो अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि उसको डर रहता है, या वो जब भी अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं उसका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाता है, तो वो इस नाम से अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाते। लेकिन गाइस, ये बैड हैबिट है, और अगर आप अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप स्टॉक मार्केट पे गैम्बलिंग कर रहे हैं। आप एज अ कैरियर, एज अ आप यहाँ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो गाइस आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप अभी हो सकता है कि आप गलत जगह अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हैबिट है स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का। तो आपको कोशिश ये करना है, अगर आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट भी हो रहा है तो भी आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गैम्बलिंग कर रहे हो। तो आपको मेरा बात हमेशा नोटिस करके रखना है, आपको हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के रखना है। तो गाइस, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना ही पड़ेगा। तो अब हम अपना तीसरा बिगेस्ट मिस्टेक देख लेते हैं। लोग बिगेस्ट मिस्टेक तीसरा ये करते हैं कि वो फोर्सफुली ट्रेडिंग करते हैं, वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, वो मार्केट के साथ फाइट करना चाहते हैं। लेकिन गाइस, मैं आपको जैसे कि हर वीडियोस में बताता हूँ, अगर आप मार्केट के साथ फाइट करोगे तो कभी मार्केट के साथ जीत नहीं पाओगे, और लास्ट में मार्केट आपको बता देगा कि वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो आपको कभी भी फोर्सफुली ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप बिगिनर हो, रिटेलर हो, तो आपको एक दिन में एक ट्रेडिंग करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो गया तो आपको मार्केट के साथ फाइट नहीं करना है, बार बार ट्रेडिंग नहीं करना है। और जैसे कि मैं हर वीडियोस में बताता हूँ, आपका पहला लॉस आपका सबसे छोटा लॉस होता है। अगर आप बार बार अपने लॉस को रिकवर करने जाओगे तो आपका लॉस इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे, और लास्ट में आपका फंड साफ हो जाएगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको एक दिन में एक ट्रेडिंग करना है, चाहे आपका नुकसान हो चाहे आपका प्रॉफिट हो। प्रॉफिट हो तो आप सेकेंड रिस्क ले सकते हो, बट लॉस पे कभी भी आपको रिस्क नहीं लेना है। तो तीसरा हमारा बिगेस्ट मिस्टेक लोग यही करते हैं कि वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। मैंने इसका तोड़ आपको बता दिया कि आपको एक दिन में एक ट्रेड करना है, रिवेंज ट्रेडिंग अपने आप छूट जाएगा। और पांचवा हमारा बिगेस्ट मिस्टेक होता है गाइस, डेली ट्रेडिंग करते हैं लोग।
हमारे बिगिनर, हमारे रिटेलर जो है डेली ट्रेडिंग करते हैं, बार बार ट्रेडिंग करते हैं, जिसके कारण वो अपना फंड साफ कर बैठते हैं। तो आपको कोशिश ये करना है, आपको डेली ट्रेडिंग नहीं करना है, आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्केट दिखेगा तभी आपको बाइंग और सेलिंग का पोजिशन बनाना है, अदरवाइज आपको मार्केट से दूर बैठना है। गाइस, एक महीने में 22 दिन का डे होता है, ट्रेडिंग डे होता है, आपके लिए सफिशिएंट डे है। इतने में अगर आप 5 से 6 ट्रेड करोगे, 5 से 6 दिन ट्रेड करोगे, तो भी आप पूरे महीने का प्रॉफिट कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप बार बार ट्रेडिंग करोगे तो आपका एक महीने में ही पूरा फंड साफ होने वाला है। तो गाइस देखिए, आपको मैंने बता दिया, अगर आप डेली ट्रेडिंग करोगे तो आपका फंड साफ हो जाएगा और आप स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो आपको कोशिश ये करना है, डेली ट्रेडिंग नहीं करना है, जिस दिन आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्केट दिखेगा उसी दिन आपको बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना है। और गाइस, छठवां हमारा बिगेस्ट मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वो हाई क्वांटिटी के साथ काम करते हैं स्टॉक मार्केट में। देखिए गाइस, ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है और हर एक बिगिनर ये गलती करता है। वो गलती क्यों करता है? क्योंकि वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है और क्वांटिटी बढ़ा के रिवेंज ट्रेडिंग करता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर में ही बताया था कि अगर आप एक दिन में एक ट्रेड करोगे तो आपका रिवेंज ट्रेडिंग नहीं होगा, फोर्सफुली ट्रेडिंग नहीं होगा। अब लोग क्या करते हैं, एक दिन में कई ट्रेड करते हैं जिसके कारण उसका नुकसान जो है बड़ा हो जाता है। अब नुकसान बड़ा हो गया तो उसको कैसे रिकवर करेंगे? हाई क्वांटिटी के साथ वो अपना बाइंग का पोजीशन या सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। चल गया तो ठीक है, और नहीं चला तो आपका जितना लॉस रहेगा उससे डबल आपका लॉस हो जाएगा और आप एक ही झटके में आपका पूरा पैसा साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है गाइस इंट्राडे ट्रेडिंग पे। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको एक दिन पे एक ट्रेड करना है। अगर गाइस आपका कंट्रोल नहीं है आपके माइंड पे, आपके इमोशंस पे, आपको पेशेंस पे, तो आप ट्रेडिंग मत कीजिए, आप सीखिए, आप पेपर पे ट्रेडिंग कीजिए। और पेपर ट्रेडिंग कैसे किया जाता है उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो जा करके आप वो वीडियो देखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हाई क्वांटिटी के साथ कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। हाई क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करोगे तो फंसोगे और आपका इतना बड़ा नुकसान होगा कि आप उसको कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। और ओवरऑल देखेंगे तो आपका फंड साफ हो जाएगा, आप स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो चलिए अब हम सातवां बिगेस्ट मिस्टेक देख लेते हैं। सातवां हमारा बिगेस्ट मिस्टेक ये होता है कि लोग रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गाइस बेसिकली स्टॉक मार्केट का। अगर आप एज अ कैरियर, एज आप बिजनेस बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करना पड़ेगा। आप कितना रुपए यहाँ नुकसान लेना चाहते हैं तो कितना रुपए आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं है तो कहीं ना कहीं आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं स्टॉक मार्केट में। और गाइस देखिए, जुआ खेलोगे तो कभी जीतोगे नहीं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर अपना रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करना है। और गाइस मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोग को बना के दे दूंगा, आप लोग उसको देखिएगा और सीखिएगा कि कैसे रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज किया जाता है। फिलहाल अभी हम वीडियो क्लोज करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देखोगे नहीं। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। तो चलिए गाइस, बाय। नए वीडियो पे मिलते हैं, नए स्ट्रैटेजी के साथ, नया एनालिसिस वीडियो के साथ, नया साइकोलॉजी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।